नमस्कार दोस्तों, हमने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल पूछा था कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं। हालात सामान्य हैं या पहले से बेहतर हुए हैं या फिर पहले से खराब हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले 20 घंटे में लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आईं उनके मुताबिक 50% से ज्यादा लोगों की राय है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से खराब हुई है, जबकि करीब 27% लोग मानते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है। वहीं करीब 22% लोगों का मानना है कि हालात सामान्य हैं। यानी नीतीश सरकार को ये मान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति में आमूल चूल बदलाव लाने की जरूरत है और पत्रकारों के सवालों पर झुंझलाने से काम नहीं बनने वाला। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बावजूद इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह के हत्यारों का सुराग नहीं लग पाया है। ऐसे में राजीव रंजन नाम के व्यूअर अगर टिप्पणी करते हैं कि इसमें पहले से खराब की जगह बहुत खराब लिखना चाहिए, तो वो गलत नहीं कह रहे। राज्य में अचानक हत्या, रेप, लूटपाट और फिरौती की घटनाओं में इजाफा हुआ है और नीतीश सरकार को जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, वरना सरकार और पुलिस प्रशासन से लोगों का भरोसा बहुत जल्द उठ जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति लालू राज से बेहतर है, पर कुछ दिन से हालात बिगड़े हुए हैं, यानी उम्मीद अभी बरकरार है, इसलिए नीतीश सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य में हालात बेहतर होंगे इसकी उम्मीद इससे भी बढ़ गई है कि जिस तरह कई फिल्मों में पुलिस को हेलीकॉप्टर से अपराधियों का पीछा करते और हालात को नियंत्रण में लाने के लिए हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करते देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है राजधानी पटना में, जहां पुलिस मुख्यालय के लिए ऐसी बिल्डिंग तैयार की गई है जिसकी छत पर हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है। जी हां दोस्तों, करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से 53,504 वर्ग मीटर में बने पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन की छत पर इस साल से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मुमकिन हो जाएगी। इसके लिए बस नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हरी झंडी का इंतजार है। आपको बता दें कि सरदार पटेल भवन 7 मंजिला इमारत है, जिसे काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। भवन किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में काम करने और विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने में सक्षम है। ये भवन 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि 10 दिनों के पावर बैकअप से लैस है। पूरी तरह से भूकंप रोधी ये इमारत रिक्टर स्केल पर 9 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप के झटके भी आसानी से झेल सकती है। इस इमारत की छत पर हेलीपैड के साथ ही आधुनिक कमांड सेंटर भी बनाया गया है। आपात हालात में इस हेलीपैड से पुलिस टीमों को फटाफट रवाना किया जा सकता है। सरदार पटेल भवन में प्रदेश के सभी रैंक के पुलिस अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यहां ऐसे साजो सामान रखे गए हैं जिनकी मदद से पूरे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को यहीं से मॉनिटर किया जा सकता है। साथ ही यहां ऑफिस जोन, डॉर्मेट्री, डाइनिंग हॉल के अलावा मुख्यमंत्री और गृह सचिव का कक्ष भी बनाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य के इस नए पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए अब पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकेगी।